हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन एनपीसी द जनरल वेयर कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन। एंड लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वेक्टर के एडिशन को सीखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ एक लिंक दी हुई है। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन का वीडियो मिल जाएगा एंड यू कैन ईजिली वॉच दिस वीडियो। ओके, सो आज के वीडियो लेक्चर में हम एनालिटिकल मेथड ऑफ फैक्टर एडिशन सीखेंगे। मीन्स यहाँ पर आप फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है? इस मेथड के थ्रू हम फॉर्मूला डिराइव करके वेक्टर को ऐड कैसे कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं। ओके, सो बी रेडी फॉर दिस अमेजिंग सेशन एंड स्टे ट्यून टिल द एंड। ओके, लेट्स बिगिन अवर क्लास। एनालिटिकल मैथड। एनालिटिकल मैथड के अकॉर्डिंग वी हैव टू वैक्टर्स। ओके, हमने वैक्टर्स ए एंड वैक्टर बी लिया है, ठीक है? एंड वेक्टर ए एंड बी के एक्स एंड वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट डिवाइड कर लिए, ठीक है? एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट हमने कह दिया ए एक्स एंड ए वाई। ओके, एक्स एंड वाई के लिए, एक्स एंड वाई एक्सिस के लिए वेक्टर ए के कंपोनेंट हैं ए एक्स एंड ए वाई। एंड फॉर बी आर बी एक्स एंड बी वाई। ओके, ए वेक्टर ए के कोऑर्डिनेट ए एक्स एंड ए वाई एंड बी के कोऑर्डिनेट बी एक्स एंड बी वाई इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ओके, एंड वी वॉन्ट टू एड दिस वैक्टर, ठीक है? हमें इस इन टू वैक्टर्स को एड करना है। तो एडिशन हम कैसे करते हैं? एडिशन हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सीखा था। एडिशन के लिए हम रिजल्टेंट वेक्टर आर का यूज करते हैं, ठीक है? आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो सिंपली वी कैन राइट आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, बट वी वॉन्ट टू राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, सो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ओके, ए को हमने टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज ए एक्स एंड ए वाई। एक्स ए एक्स इज द डायरेक्शन, ax is the component of x direction and ay is the component of y direction of vector a, and b x I plus b y j. okay, clear? okay, now separate this x component as well as y component. so ax plus b x and I will be common here, and plus ay plus b y and j will be common. This term gives the resultant vector in x direction. Okay, so we can write rx, and here I cap is the direction in x direction, and b ay plus by is the resultant vector in y direction. So we can write ry, and j is the unit vector in y direction. Okay, so we have r vector is equals to rx I plus r y j. okay, means r vector ke aapke paas two components mile, rx and r y. now we can find the magnitude of r, so we can easily give the magnitude. magnitude of r is equals to under root rx square rx square plus ry square. theek hai, ye humne last video lecture mein graphical method ke through or एंड रिजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स में सीखा था, ठीक है? किसी भी वैक्टर का मैग्नीट्यूड लें तो इस तरह से अंडर रूट में स्क्वायर करके वैल्यूज दी जाती है यहाँ पर। ओके, डायरेक्शन ऑफ आर गिवन बाय थीटा एंगल। ओके, सो वी कैन राइट हियर टेन थीटा इज इक्वल्स टू आर वाई अपॉन आर एक्स। ओके, ये आपका डायरेक्शन शो कर रहा है एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड। ओके, दिस फॉर्मूला इज बेसिक फॉर्मूला। अगर आपके पास थीटा एंगल नहीं दिया हुआ है तो सिंपली इस इक्वेशन के थ्रू आप मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आपके पास थीटा गिवन है, ओके, थीटा गिवन है, देन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? एक एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, तो उसके लिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो लेट अस सी। सो इसे एग्जाम्पल कह लें या डेरिवेशन कह लें, ठीक है, सेम ही है। Find the magnitude and direction of the resultant of two vectors a and b in terms of their magnitude and angle theta between them. Okay, आपको magnitude and direction find करना है in terms of vector a and b. a vector and b vector के term में magnitude and direction find करना है. Okay, and angle उस
उन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। ओके, तो सिंपली पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मीन्स डायग्राम के थ्रू पहले क्वेश्चन को समझते हैं, देन वी कैन फाइंड द फॉर्मूला। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड इन वेक्टर ए एंड बी देयर इज अ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा। ठीक है, ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा, ये आपको गिवन है। ठीक है, थीटा बिटवीन देम। अब इस वेक्टर में हमने पैरेलल शिफ्टिंग किया, ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग किया ए वेक्टर को हियर एंड बी वेक्टर इज हियर। ओके, पैरेलल हमने शिफ्ट कर दिया, देन वी कैन फॉर्म अ पैरेललोग्राम, एंड पैरेललोग्राम यहाँ पर मेथड अप्लाई कर देंगे। पैरेललोग्राम मेथड के अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्टेंट है वो कॉमन इंटरसेक्शन के थ्रू फॉर्म होता है। ठीक है, मीन्स वेक्टर ए एंड बी का जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज ओ, हमने ये ओ कंसिडर कर लिया, तो यहाँ से रिजल्टेंट आपका मिलेगा आर। ओके, इस डायरेक्शन में, एंड यहाँ से हम क्या करते हैं, जो रिजल्टेंट फॉर्म हो रहा है वो हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस से या फिर वेक्टर ए से अल्फा एंगल ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, क्या अल्फा एंगल ड्रॉ कर रहा है। अब हमने क्या किया कि ये जो पॉइंट है क्यू, क्यू से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन ओपी लाइन। ठीक है, ओपी लाइन को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर दिया, एंड यहाँ पर पॉइंट एस पर मीट हो रहा है क्यू एस। ठीक है, ये क्या है, एक परपेंडिकुलर है जो कि ओपी लाइन फॉरवर्ड करने के बाद में इंटरसेक्ट हुआ पॉइंट एस पर। ओके, सो आपको ये जो एंगल मिला दैट इज द राइट एंगल। ठीक है, ये राइट एंगल है क्यू पी एंड एस, दिस इज द राइट एंगल, एंड थीटा यहाँ पर ये जो एंगल है थीटा है, सो यहाँ पैरेलल पैरेलल शिफ्टिंग के थ्रू जो लाइन है उसके थ्रू भी एंगल क्या होगा, थीटा फॉर्म होगा। सो ये आपको क्लियर है यहाँ तक। अब होता है कि हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में स्टडी किया है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो हम इसे, एंड यस यस एक वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो वेक्टर है इसको पैरेलल शिफ्ट किया बी, तो ये आपका वेक्टर भी बी होगा, एंड ए को पैरेलल शिफ्ट किया तो यहाँ पर भी ए होगा। ठीक है, वेक्टर नहीं लिखे तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि आप लेंथ ले रहे हैं और लेंथ जो है वो शो करता है, रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को, तो ये जो पी क्यू है ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। ठीक है, सो बी के टू कॉम्पोनेंट्स हुए, बी कॉस थीटा एज वेल एज बी साइन थीटा। अब कॉस थीटा और साइन थीटा कहाँ ले, तो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि थीटा जिस एक्सिस से बनता है, ठीक है, जिस एक्सिस से थीटा फॉर्म होता है वहां पर आपको कॉस थीटा लेना है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका बी कॉस थीटा होगा, एंड इसके परपेंडिकुलर ये कॉम्पोनेंट होगा। ओके, सो दिस इज बी साइन थीटा। ओके, ये क्लियर है, तो आपका जो पी एस, पी एस लेंथ है दैट इज बी कॉस थीटा, एंड क्यू एस इज बी साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं कि ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको राइट एंगल, ये अभी आपने ये वाला एंगल लिया राइट एंगल, बट अब आपको ये पूरा जो एंगल दिख रहा है कौन सा, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ओ ओ क्यू एंड एस, ये आपने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, एंड ओ क्यू, ओ क्यू क्या है आपका रिजल्टेंट, क्योंकि हमारा जो एम है दैट इज फाइंड द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट को फाइंड करना है, सो हमने एंगल ये वाले ले लिया ओ क्यू एस, राइट एंगल ले लिया। ओके, एंड यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ओ एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ओ एस, क्योंकि क्यू एस, क्यू एस तो आपको पता है बी साइन थीटा है, ये क्यू एस की जो वैल्यू है हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्यू एस इज इक्वल टू बी साइन थीटा, बट ओ एस, ओ एस क्या है, ओ एस इज द कॉम्बिनेशन और वी कैन से एडिशन ऑफ ओ पी प्लस पी एस। ओके, सो ओ पी इज ए, ठीक है, वेक्टर ए मीन्स लेंथ ओ पी है, ए प्लस पी एस, पी एस इज बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, सो वी कैन राइट हियर ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, ए प्लस बी कॉस थीटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओ एस के प्लस पे, प्लस क्यू एस, क्यू एस क्या हुआ, बी साइन थीटा। ओके, एंड स्क्वायर, सो ओपन ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर है, सो ओपन करो ब्रैकेट, सो ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा।
एंड प्लस हियर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपने फॉर्मूला ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ओके यहाँ तक क्लियर है? अच्छा है, अब देखिए ए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन। ओके सो टेक बी स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ओके एंड हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन है ये वन हो जाता है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है ये वन होती है, इसीलिए इसके प्लेस पे आप वन पुट कर दीजिए प्लस टू ए बी कॉस थीटा। इसका रीजन आप यहाँ पे साइड पे लिख लीजिए, साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी वन। सो एंड ओ क्यू इज द रिजल्टेंट। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा एंड सिंपली वी कैन राइट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ओके यहाँ पर आपने रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली। रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो एंगल थीटा पर डिपेंड करेगी। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वैक्टर। नाउ डायरेक्शन, सो डायरेक्शन के लिए हम टेन थीटा की बात करेंगे, बट यहाँ पर जो आर है, आर मीन्स रिजल्टेंट, वो अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा है विथ द एक्स एक्सिस। ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सो टेन अल्फा जो डायरेक्शन है होगी वो टेन अल्फा के थ्रू दी जाएगी। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर क्यू एस, क्यू एस क्या है, क्यू एस डिवाइडेड बाई ओ एस। सो क्यू एस विल बी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके सो दिस इज द डायरेक्शन। ठीक है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स सीखेंगे। ओके सो स्टे ट्यून्ड विथ एनपीसी एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।